अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान फ्रॉम टेक्निकल से। और आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आप मेरे बराबर में ये देख रहे होंगे बोया BY MM1 जो ब्लॉगिंग माइक है। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और गिव अवे भी आपको बताएंगे आप कैसे जीत सकते हैं बोया BY MM1। क्योंकि आपको तो पता है मेरे 1K अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा इस खुशी में कोई ना कोई गिव अवे किया जाए। इनमें से भाई एक तो मैं यूज़ करूँगा अपने ब्लॉग में और बकाए जो 2 हैं उनका मैं करूंगा गिव अवे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं ये चल के आपको वीडियो के एंड में समझाता हूँ। वीडियो छोटी सी बनेगी, इसकी बस हल्की फुल्की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको गिव अवे का बताता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को तो लास्ट में सब्सक्राइब करना अगर आपको ये माइक जीतना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको ये बता चलूँ कि माइक जो थे बहुत ही अरसे से मैं इनको ढूंढ रहा था, ओरिजिनल माइक नहीं मिल रहे थे, हर जगह पर फेक थे, लेकिन फाइनली ओरिजिनल माइक मिल गए और यह है बोया का BY MM1। और इसके यार बॉक्स कंटेंट वगैरह क्या हैं क्या नहीं है ये सारा मथामारी मैं नहीं कर सकता, सिंपली इसको अनबॉक्स करते हैं। लेकिन कुछ जो मेन चीज़ें मैं आपको बता चलूँ, ये जो आप QR कोड यहाँ पर देख रहे हो ना, ये वाली चीज़ ये ओरिजिनल की निशानी होती है। इसमें ये होता है कि आप सिंपली इसको स्कैन करें और सिंपली आप इसकी साइट पे चले जाएंगे, उधर जाके आपको पता देगा ये फेक है या ओरिजिनल है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता चलूँ कि पाकिस्तान में अभी ओरिजिनल चीज़ें नहीं आ रही। अगर हाँ आप बाहर से मंगवा रहे हो, अलीबाबा या ऐसे कहीं से मंगवा रहे हो, तो वहाँ से शायद आपको ओरिजिनल मिले, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिलते। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अंदर से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं। मतलब कि जैसे कि इसका ये माउंट हो गया, ये चीज़ थोड़ी चेंज होती है, और इसका ये ऊपर वाली जो बिल्ली जिसको बोलते हैं बालों वाली बिल्ली, ये उसका थोड़ा चेंज होता है। बाकी माइक ऑडियो क्वालिटी वगैरह बिल्कुल सेम होती है, कुछ भी फ़र्क नहीं होता। मतलब ये कि थोड़ी ज़्यादा ब्रांडिंग हुई होती है, वो ऐसे कि यहाँ पर इसके स्टिकर लगा होता है बोया के माइक पर, और उसके बाद इस पर भी एक स्टिकर की टाइप एक कपड़ा लगा होता है बोया का, बस यही मतलब फ़र्क होते हैं और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होते। तो सिंपली बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो मैं आपको सिंपली, मेरे पास 2 कैमरा तो नहीं है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बात करूँगा और उसके बाद मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्स करता हूँ मैं। और ये भाई हमारा माइक बोया का BY MM1 जो है। अब यहाँ पर यार इसके पीछे जो स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं वो पोलर पैटर्न कैडोइड, मतलब कि मुझे इतना नहीं पता कि इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या आता है, मतलब कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता, सॉरी। ये अगर आपको पता है तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर इसका शो करवा रहा होगा, तो आप सिंपली पता कर सकते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सिंपली इसको अनबॉक्स करते हैं, और तो जैसे ही माइक को निकालते हैं बाहर, तो सबसे पहले आपको एक अदद मिलेगा माइक, उसके ऊपर लगी होगी ये बिल्ली, ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नज़र आएगा एक इसका पाउच, और पाउच के अंदर आपको यहाँ पर मिलेंगे इसके एक माउंट मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक हो गया, जिस पे आप ये माइक अटैच करके अपने कैमरा या मोबाइल पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताते चलूँ कि इसके जो ये वाली चीज़ है ना यहाँ पर, ये बहुत सारे मोबाइल होल्डर्स में नहीं लगता, मेरे वाले में भी नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने एक जुगाड़ किया है, उसकी वीडियो मैंने अपने अराउंड मतलब कि मैंने उसकी वीडियो मैंने लगभग डाल दी होगी अपने चैनल पे, तो वो जाके सिंपली देखो। उसके मैंने इंडोर आउटडोर और उसके अलावा ये माउंट कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर की, तो प्लीज़ जाएं और जाके वो वीडियो भी देखें। तो सिंपली अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 2 डेटा केबल्स आती हैं, मैं इसको साइड कर देता हूँ इसके पाउच को, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 2 डेटा केबल्स आती हैं, जो एक डेटा केबल होती है वो 2.5 mm होती है दोनों साइड से, एक जो है वो लगता है माइक में और दूसरा लगता है आपका कैमरा में। और उसके बाद आपके मोबाइल के लिए अलग से डेटा केबल आते हैं। अब ये ना समझे कि आपको एक्स्ट्रा डेटा केबल दी गई है तो दोनों ही आपके मोबाइल में वर्क करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपके मोबाइल का अपना ही माइक चलता है। फिर लोगों की ये शिकायत होती है कि यार माइक सही नहीं काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वही भाई आपको ये पता चलूँ कि आपका माइक फिर चलता ही नहीं है। मैं आपको सिंपली डिस्क्राइब करता चलूँ, ये जो 2.5 mm जो आपके केबल होती है, ये जो है पिन आपकी डलती है माइक में, ठीक है, माइक और कैमरा में 2.5 mm डलती है। और ये जो 3 आपको 3 लाइंस नज़र आ रही है, ये होती है सिंपली उसके लिए, अब मोबाइल के लिए आप उसमें लगा के सिंपली अपना माइक जो है वो चला सकते हो। तो चलते हैं इसका जो है, मैं आपको माइक दिखाता चलूँ कि सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला पता नहीं क्या यार बोलते हैं, मतलब कि मैं बिल्ली बोलता हूँ, मुझे नाम याद था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो है बिल्कुल मतलब कि जैसे आपको क्या बताऊँ, इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता चाहूँ, इसके अंदर फॉर्म भी है। यहाँ पर जो है मैंने हाथ लगा चाहिए, तो यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म भी है, और उसके बाद इसके बाहर वाली साइड पर मतलब कि जैसे बाल होते हैं बिल्लियों के, पर्शियन कैट जो होती हैं उनकी तरह इस पर बाल लगे हुए हैं। ये किस काम आता है ये वाली चीज़, मैं आपको डिस्क्राइब करता चलूँ। अगर आप
किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा है, या कहीं पर आप जाते हैं टूर वगैरह भी जाते हैं, उसके बाद आपको ये सीन होता है कि यार वहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की फुटेजेस आपके काम नहीं आती, आप म्यूट करके सिनेमेटिक लुक उसको लगा के एडिट के दौरान आप वो लगा देते हो, वरना आपकी जो मेन बातें होती है वो निकल जा चुकी होती है। तो सिंपली मैं आपको ये पता चलूँ कि मैंने ये माइक क्यों मंगवाया, क्योंकि मुझे बहरिया में अभी टाइम हो गया, मेरा ये सीन था कि डेली ब्लॉगिंग करूँगा, लेकिन मेरे पास जो माइक था अभी, ये जो मैं बोया WM4 Pro जो यूज़ कर रहा हूँ, ये ओनली इंटरव्यूज़ में शूट होता है, उसके बाद मेरे पास ये माइक भी है रॉड का, ये तो भाई आपको पता है पॉडकास्ट वगैरह में चलता है, मेरा ब्लॉग का सीन होता है बाहर, और बाहर में जब तक मैं जो है ना सकर में था, वहाँ पर मैं क्या क्या करता था, तो भाई मैंने कभी भी माइक यूज़ नहीं किया वहाँ पर, ठीक है ना, मेरे मोबाइल का अपना माइक होता था, वो अच्छा मुझे रिजल्ट देता था, और एडिट के दौरान उसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी बेस्ट कर देता था। तो ये सीन होता है कि अगर आपकी हवा चल रही है तो जितनी भी हवा ये उसको ब्लॉक करेगा, और आपकी जो आवाज़ होगी वो उसको कैच करेगा इस माइक के दौरान, और ये है इसका माइक, आप सिंपली देख सकते हो, मैं आपको ये खोल के भी दिखाऊंगा कि अंदर इसके माइक कैसा सिस्टम होता है, और चलते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये इसका सीन क्या है। तो यार सिंपली अभी इसके जो ऑडियो टेस्ट है वो करते हैं, सबसे पहले विदाउट इसका जो हेड है, इसके अलावा हम इसकी जो है ना ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि कैसा आता है। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो मेरा बोया WM4 Pro के माइक से आप सुन रहे हो, जो यहाँ पर मेरे लगा हुआ है ये वाला माइक है, इसके आप जो है ना माइक से मेरा ऑडियो क्वालिटी चेक करें कि अभी कैसी आ रही है। अब मैं सिंपली जो है ना इसको चेंज करने वाला हूँ, स्विच करने वाला हूँ मैं इसको, अपने जो दूसरे बोया BY-MM1 है व्लॉगिंग माइक, उसमें मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, तो सिंपली अभी चेक करना कि ऑडियो क्वालिटी सी कैसी आ रही है। अभी ये सिंपली मैं माइक निकाल रहा हूँ, और ये जो अभी क्वालिटी आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो मेरे रियल माइक से, जो मोबाइल फ़ोन का अपना माइक है। अब मैं इसमें ये वाला माइक लगाता हूँ, और उसके बाद चेक करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी में कैसा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अभी ये जो आप ऑडियो क्वालिटी चेक करो, देखो आ रही होगी आपको वॉइस, अभी जो ये क्वालिटी आप चेक करो, क्योंकि व्लॉगिंग के दौरान बस ये माइक इतना दूर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि बिना इसके हेड के इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। अब मैं इसमें सिंपली हेड लगा देता हूँ, और हेड लगाने का यार फायदा नहीं, क्योंकि मैं इंडोर में बैठा हूँ, जो आउटडोर का इसका वो जो टेस्ट है वो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको सिंपली उसमें सारा सेटअप आपको बताऊँगा। अब मैं इसमें सिंपली फिर भी हेड लगा देता हूँ, तो उसके बाद अभी आप चेक कर सकते हो कि इसके हेड लगाने के बाद शायद इधर की जो नॉइस है वो थोड़ी बहुत कैंसिल हो गई हो। अभी ये जो आप वॉइस सुन रहे हो वो विद हेड बोया BY-MM1 के माइक से सुन रहे हो। अभी मैं दोबारा इसको जो है माइक पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यार ये थी अनबॉक्सिंग इसकी बोया BY-MM1 की, जिसका मैंने आज गिव अवे करना है। गिव अवे कैसे करना है मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। अब मेरे पास हैं 3 माइक, ठीक है, मैं आपको क्लियर करता चलूँ, वरना कुछ लोग होते हैं कि यार 10-15 माइक लेकर आते हैं, उनमें से कुछ का गिव अवे करते हैं। मैं सीधी बात करूँ, एक तो यूज़ करूँगा मैं अपने लिए, ठीक है, और बकाया के जो 2 हैं उनका मैं करने वाला हूँ गिव अवे। गिव अवे कैसे करना है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो इस पर आपको अब कितने लाइक मैं मांगूँ आपसे, आप एक काम करें इस पर 1K लाइक पूरे कर दें, 1000 लाइक, क्योंकि मैं अगर माइक दे रहा हूँ ना यार, देखो मैं आपसे कुछ लूँगा वैसे, ऐसे मुफ्त में नहीं देने वाला आपसे 100 लाइक्स मांग लूँ ये वो। अब देखो मेरे 1K सब्सक्राइबर हैं, और मेरी तमाम वीडियोस पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। अब मैंने वीडियोस अपलोड करना छोड़ दी तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे कुछ वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस मिला है, और मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। तो इस वजह से कह रहा हूँ, इस वीडियो पे जिस दिन 1K लाइक हुए उस दिन इस वीडियो का इंशाल्लाह इन माइक्स का गिव अवे होगा। और आपको गिव अवे कैसे जीतना है, आपको सिंपली करना है इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, सिर्फ एक कमेंट करना है, वो आप कुछ भी करें, और मैं करूँगा ऑनलाइन कमेंट पिकर पे जाके मैं वो सिंपली कमेंट जो है पिक करूँगा, फिर जो भी लकी विनर होगा उसकी उसको जो है ना मैं सिंपली मेल करूँगा, और वो अपना एड्रेस मेरी तरफ सेंड कर दे, उसको जो है ये मैं किसी भी तरीके से TCS वगैरह या मतलब कि वो मेरा मसला है उसकी तरफ मैं इंशाल्लाह सेंड करूँगा। और जिस दिन ये इसको पार्सल रिसीव होगा, और उसको करना ये सिंपली वो वीडियो बनाए कि भाई मुझे इस चैनल की तरफ से ये माइक रिसीव हुआ है, वो मैं डालूंगा अपनी किसी आने वाली वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी से करना है मेरे चैनल को, तो यार अभी सब्सक्राइब कर दो। देखो 1K अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, मेरा जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है 10K, इंशाल्लाह वो भी पूरा करेंगे। जैसे ही मेरे लिए 1K मुश्किल था वैसे अब 10K, अब 1K हो गया तो 10K भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो होगी आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।